everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge Shop. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास करेंगे बेटा. क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास 70 है. इससे पहले ऑलरेडी हम 69 क्लासेस कर चुके हैं, तो प्लीज जिसने नहीं देखा है एक बार जाके गो थ्रू कर लो. अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोज डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग उसका यूटिलाइजेशन कर सकें. स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में, जो कि हम NIST NIST क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं विद देयर टू कंपोनेंट्स आल्सो, द क्लाउड कंज्यूमर एंड द क्लाउड ऑडिटर. तो उनको डिस्कस हम करेंगे. तो प्लीज सबसे पहले तो हमारे चैनल को शेयर करो, वीडियोज को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोग के पास, कि ये वीडियो भी ज्यादा से ज्यादा लोग के पास पहुंचे. स्टार्ट करते हैं NIST क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर. ये एक आर्किटेक्चर है NIST क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसमें क्लाउड कंज्यूमर है, फिर क्लाउड ऑडिटर है. जो कि क्लाउड कंज्यूमर और ऑडिटर मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगी, देन आफ्टर दैट जो रिमेनिंग है वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. क्लाउड कंज्यूमर, क्लाउड ऑडिटर, इन दोनों का कंपोनेंट जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है. देन देयर इज अ क्लाउड ब्रोकर, एंड इंस्टेड ऑफ दैट डाउन साइड में क्या है, क्लाउड कैरियर्स हैं. तो ये सारे क्लाउड, चाहे वो क्लाउड कंज्यूमर हो, चाहे वो क्लाउड ऑडिटर हो, चाहे क्लाउड प्रोवाइडर हो, चाहे वो क्लाउड ब्रोकर हो या चाहे क्लाउड कैरियर हो, ये सारे ही क्लाउड जो है वो NIST क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में कंक्लूड करते हैं, परफॉर्म करते हैं. बाय परफॉर्मेंस वाइज वो उनको अपने आप डिप्यूट करते हैं. तो फर्स्ट जो आपका कंपोनेंट है, दैट इज योर क्लाउड कंज्यूमर. क्लाउड कंज्यूमर की बात करें, क्लाउड कंज्यूमर इज द एंड यूजर हु ब्राउजर्स और यूटिलाइजेस द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, CSP जिसे कहते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. तो बेसिकली जो क्लाउड कंज्यूमर होता है वो एक तरह का एंड यूजर है, जो कि ब्राउज करता है, अलाउ करता है, जहाँ पे वो यूटिलाइज कर सके सर्विस प्रोवाइड को, जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है. सेट्स अप सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स विद द क्लाउड प्रोवाइडर, तो वो सेटअप भी करता है एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को किसके बीच में, क्लाउड प्रोवाइडर के बीच में. After that, in this, the set of the organization have a mutual regulatory constraints perform a security cloud migration and the deployment. तो basically ये deployment से basis में भी वो देखता है और सारे जो भी आपके deployment cases होते हैं वो सारे migration deployment को भी solve करता है. After that, the next point, that is your cloud consumer. Cloud consumer we services use a services level agreement, जिसे हम CLAS बोलते. Service S stands for service, L stands for level, and A stands for agreement. That are the services to specify the technical performance recruitment to be fulfilled by the cloud provider. Cloud provider के through जो fulfilled की जाती है वो performance को भी technically specify करता है. After that, next, that is SLA can cover terms concerning the quality of services. वो quality of services को concern करता है, security को, and the remedies for the performance failure, और performance failure भी देखता है, उनके रेमेडीज को भी चेकआउट करता है. आफ्टर दैट यू हैव अ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर क्लाउड ऑडिटर, दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस क्लास ओनली, दैट एज आई सेड. तो क्लाउड कंज्यूमर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. आप क्लाउड ऑडिटर की बात करते हैं तो क्लाउड ऑडिटर क्या होता है, दैट क्लाउड ऑडिटर इज एन एंटिटी दैट इज कंडक्ट द इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द क्लाउड सर्विसेज सिक्योरिटी परफॉर्मेंस एंड द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेशन ऑफ द क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन. तो बेसिकली क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन के लिए, चाहे उसकी सिक्योरिटी हो, चाहे उसकी क्लाउड सर्विसेज हो, परफॉर्मेंसेज हो, इन्फॉर्मेशन हो सिस्टम ऑपरेशन का, तो सारी चीज़ें आपके इम्प्लीमेंट करने करा जाता है इस क्लाउड ऑडिटर में. द सर्विस दैट आर प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर, जो कि CSP है, जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, उसके थ्रू जो भी परफॉर्मेंस सर्विसेज की जाती हैं, दैट कैन बी इवैक्यूलेटेड बाय द सर्विस ऑडिटर इन द टर्म्स ऑफ द प्राइवेसी इम्पैक्ट देखा जाता है, सिक्योरिटी कंट्रोल देखा जाता है, एंड परफॉर्मेंस देखा जाता है. उसमें और भी बहुत सारी रिलेटेड चीज़ें हैं, बट बेसिकली जो फोकस होते हैं वो तीन यही होते हैं. क्लाउड ऑडिटर कैन मेक असेसमेंट ऑफ द सिक्योरिटी कंट्रोल इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द कंट्रोल आर इम्प्लीमेंटेड करेक्टली ऑपरेटिंग एज प्लान एंड द कंस्ट्रक्टिंग द डिजायर्ड आउटकम विद रिस्पेक्ट टू द मीटिंग ऑफ द सिक्योरिटी नेसेसिटी फॉर द सिस्टम. तो बेसिकली सिक्योरिटी सिस्टम की नेसेसिटी को भी देखा जाता है कि क्या रिस्पेक्ट पे मीटिंग की गई है, क्या सिक्योरिटी नेसेसिटीज हो रहे हैं सिस्टम के डिजायर पे, वो सारी चीज़ें भी देखी जाती है, जो भी डिजायर आउटकम होता है. आफ्टर दैट देर आर द थ्री मेजर रोल्स ऑफ क्लाउड ऑडिटर. जो थ्री मेजर रोल्स आपके क्लाउड ऑडिटर के हैं,
पहला है आपका सिक्योरिटी ऑडिट, सिक्योरिटी ऑडिट होता है. सेकेंड इज योर प्राइवेसी इम्पैक्ट ऑडिट एंड थर्ड इज योर परफॉर्मेंस ऑडिट. तो ये तीन ऑडिट हैं जो कि आपके ऑडिटर के थ्रू यूज़ किए जाते हैं, क्लाउड ऑडिटर के थ्रू. क्या होता है, पहला आपका सिक्योरिटी ऑडिट, सेकेंड इज योर प्राइवेसी इम्पैक्ट ऑडिट एंड द थर्ड इज परफॉर्मेंस ऑडिट. तो क्लास आज के लिए इतना ही. थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू.